ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम क्या करें, हमसे भक्ति नहीं हो पा रही। हम क्या करें, हमारा मन भटकता बहुत है। जब भी पूजा में बैठने को सोचते हैं कि चलिए आज बाबा के लिए दिन निकालते हैं, आज बाबा को वक्त देते हैं, तो पूजा में बैठते तो हैं लेकिन हमारा मन बहुत भटकता है। मन एकाग्र हो मतलब बाबा के पास नहीं लगता है। हम सोचते हैं कि नहीं सीधा बाबा पर ध्यान देंगे लेकिन नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये आपके साथ ही नहीं होता, ये एक स्वाभाविक चीज़ है जो शुरू शुरू में हर भक्त के साथ होती है। और कई बार तो हम पूजा करते हैं मतलब निरंतर करते रहते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाती है। बहुत ज़्यादा पूजा करने वाले के साथ भी होती है। तो देखिए, बाबा को पाने का मतलब, भगवान को मानने का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा करें। भगवान को मानने का मतलब है कि हम अच्छे काम करें। ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, हमें सुबह उठना है, हमें बाबा को तैयार करना है, काकड़ आरती करनी है, मध्याह्न आरती करनी है, धूप आरती करनी है, शेज आरती करनी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। लेकिन असली भक्ति तो प्यार है, प्रेम है। और भक्ति करना इतना आसान नहीं है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो हम बाबा से ये कहते हैं कि बाबा हमें भक्ति देना या नहीं देना, पर अपने से जोड़ कर रखना, हमें ऐसा बनाना कि हमें तेरे अलावा और कुछ सूझे ही ना। अब बात करते हैं कि पूजा में मन क्यों नहीं लगता। तो कई बार क्या होता है कि जब हमारा दिमाग टेंशन में होता है ना, किसी चीज़ की चिंता हमें सता रही होती है, तो भक्ति ले लो या फिर कोई भी काम ले लो, आप कहीं भी चले जाओ लेकिन मन उसी बात पर अटका होता है जिसकी आपको चिंता रहती है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इतनी ज़्यादा गंभीर हम लोग ले लेते हैं, उसको इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि वो हटती ही नहीं है दिमाग से, उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। तो ऐसे वक्त पर जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान उसी जगह पर लगा रहता है और हम ना चाहते हुए भी बार बार उसी बात को सोचते हैं। तो जब आप किसी चीज़ के टेंशन लेते रहेंगे, किसी के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे ना, तो वही ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कम से कम बैठे तो सही, बाबा के पास बैठो और बाबा को बताओ कि बाबा मेरा मन नहीं लग रहा पूजा में। किसी व्यक्ति को बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका हल वही कर सकता है जिसने मन भटका रखा है। तो बाबा से बोलिए, बाबा मेरा आपके पूजा में मन नहीं लग रहा, मैं बैठी तो हूँ यहाँ पर या फिर बैठा तो हूँ लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है। उससे बात करना शुरू करो, आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए ना सिर्फ बाबा तक हो जाएगा। ट्राई करके देखना कि जब आपका मन ना लगे ना पूजा में, तो थोड़ी देर के लिए उस बात को भूलकर ये सोचना कि बाबा सामने बैठे और आप बाबा से बात कर रहे हो। जितनी बातें सोच रहे हो ना वो सारी उनको बता देना। जितनी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं कि ऐसा होगा, पैसे का लेन देन है, नौकरी की चिंता है, बच्चों की चिंता है, मतलब किसी चीज़ की भी चिंता है ना, उनसे बताना कि बाबा मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा, मेरे से ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को बहुत दुखी हूँ मैं बाबा, मेरी चिंता ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये कहने में एकमात्र बातें हैं लेकिन जब उनसे करोगे ना तो आपको खुद अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन दिल से करना, ठीक है, मेरे कहने पर करना लेकिन अपने भाव से करना। अब भाव क्या होता है आप लोग ये पूछते हो, भाव क्या होता है? तो भाव वो होता है, एक चाहे आप उसको भाव कह लो, चाहे उसको प्यार कह लो, चाहे उसको विश्वास कह लो, ठीक है, वो अपनी एक, जैसे कि अब हम सबसे तो प्यार नहीं कर सकते लेकिन हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे उसका मित्र हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए वो अपनी जान छिड़कता है उस व्यक्ति पर, ऐसा ज़रूर होता है। तो हमारी लाइफ में वो स्थान हमने बाबा को दे रखा है जो बाबा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो बाबा, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो आपके लिए, आपके दिल में उसके लिए ऑटोमेटिकली वो जगह होती है जो कोई नहीं ले सकता, वो उसकी जगह बनी होती है। तो उसके साथ बात करने में आपको सोचना नहीं पड़ता, उसके साथ बात करने में आपका दिल ऑटोमेटिकली उसके पास बैठने को बोलता ही नहीं, मुझे उसके पास रहना है, मुझे उससे बात करनी है। तो जब बाबा से प्यार होगा ना, तो आपको भाव लाने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपका मन करेगा नहीं मुझे बाबा से बताना है, ये ऐसा कैसे हो गया यार, मुझे बाबा से बात करनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, आपको लोग भले पागल कहेंगे लेकिन
काम आपका बन जाएगा। दुनिया पागल बोलेगी, बोल रहे तो दुनिया को क्या पता कि हमारी कैसे उससे क्या रिश्ता है हमारा उससे। दुनिया नहीं जान पाएगी, ये सिर्फ वो जानेगा जिसका उससे प्यार है, जिसको उससे मोहब्बत है ना, ये वो जानेगा। क्यों करें हम यहाँ पे मोहब्बत या लोगों से प्यार क्यों करना जो एक वक्त में छोड़कर चले जाएंगे। उससे प्यार करते हैं जो ज़िंदगी भर साथ निभाएगा और यहाँ से चले जाने के बाद भी साथ निभाएगा। ठीक है, रिश्ते बनाइए, रिश्ते बनाने भी ज़रूरी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जगह उसे दो जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, सबसे बड़ा साथी वही है और दूसरा कोई नहीं है। ये शरीर भी हमारा साथी नहीं है, फिर किस चीज़ का घमंड करना है, काहे का गुरूर करना है, और किस चीज़ की चिंता करें। जिसने बनाया है, जिसने ज़िंदगी दी है, वो चिंता करे ना हमारी, हम क्यों चिंता कर रहे हैं अपनी। हाँ, अब ये भी नहीं कह सकते कि चिंता नहीं होगी, होती है, जब हम ज़िंदगी जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो चिंता होगी, लेकिन उतनी ही लें जितनी ज़रूरी है। हद से ज़्यादा ले लोगे तो चल ही नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर आपके घर पे कोई भी ज़्यादा चिंता लेता है तो उसको समझाने की कोशिश करो, उससे लड़ने की कोशिश मत करो कि यार क्या है तू ऐसे, नहीं, उसे आपके वक्त की ज़रूरत है, उसे आपके साथ की ज़रूरत है, उससे बहस मत करो, क्योंकि वो तो वैसे बेचारा उलझा हुआ है। उससे बहस करोगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, और ज़्यादा चिंता करेगा वो। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति चिंता कर रहा है तो उसे उस वक्त संभालने की कोशिश करें। वो टेंशन में है, वो चिंता में है, आप उसका सहारा बनो। वो दो चार बातें आपको गुस्से की कह भी देगा ना, कोई बात नहीं है, उस वक्त कहेगा, बाद में वो सोचेगा यार ये बंदा तो मुझे समझाने आया था। ठीक है, इसलिए अगर वो आपसे थोड़ी बहुत रूडली बात करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सहारा बनो, आपको मालिक ने एक अच्छे काम के लिए भेजा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बातें होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अच्छी क्या है, बस यूं ही बैठती हूँ बाबा के सामने और जो दिल करता है, जो क्वेश्चंस देखती हूँ वो बोल डालती हूँ। अगर कोई वीडियो में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दिया करो। ठीक है, आइए 11 वचनों के साथ इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ बाबा, सबका भला करना, साईं सबका भला करे, साईं संभाल लेंगे। जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट।